नमस्कार दोस्तों, द इफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मीनू जी हैं, जो अपनी घर की दास्तान, जैसे इनके घर में पहले माहौल था, जो इन्होंने सुना है, जो आपको इन्होंने महसूस किया है, आपको बताएंगे कि कैसे इनके घर का माहौल बदला और किसकी वजह से बदला और कितने समय से ये उस वजह से, उस रीज़न से आज भी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मैम, द इफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, क्या आपने बता रहे थे अभी, क्या पहले कैसे हालात थे? शादी हुई फतेहाबाद में सन 2005 में, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ सभी डेरे से, पूरी फैमिली जो है डेरे से जुड़ी हुई थी। और जैसे ही मेरी शादी हुई, उसके 10 दिन बाद मैंने भी डेरे से नाम ले लिया और मैं भी डेरे से जुड़ गई। और उससे पहले माहौल था थोड़ा बहुत नशे वाला जो घर में था, लेकिन उसके बाद हमारे घर में एक एक मेंबर जो है डेरे से जुड़ा हुआ है और ऐसा कोई माहौल नहीं है। हम इंतज़ार कर रहे हैं पिताजी के आने का कि कब वो आएंगे और कब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं हम उनको यहाँ लेके आएंगे और नाम देंगे। क्या मैम, आप आज भी आप संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के साथ हैं? बिल्कुल साथ है मैडम, तभी मैं यहीं बैठी हूँ। क्यों, मतलब ऐसा क्या आपने उनमें महसूस किया? मेरी लाइफ में मैंने जहाँ आज 16 सालों से मेरे को जहाँ भी उनकी ज़रूरत महसूस हुई मैम, मुझे लगा कि वो मेरे आसपास ही हैं। आसपास ही नहीं मैम, इतना मोटिवेशन मुझे उनसे मिला, इतनी पॉजिटिव रेज आती है उनको याद करते हुए, ऐसे लगता है कि लाइफ की जो हर प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती सिर्फ यहाँ आने से, उनके वचन सुनने से। कैसी एनर्जी आपको उनमें महसूस होती है? पॉजिटिव एनर्जी, जो सिर्फ एक एक के लिए नहीं है, ग्रुप के लिए नहीं, सभी के लिए एक जैसी है मैम। उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं सिखाया। जो ये नाम है डेरा सच्चा सौदा, इसमें जो सच्चा शब्द है वो 100% सच है मैम, और सब कुछ सच है। किस धर्म को वो प्रमोट करते हैं, किस धर्म के लिए? मैंने नहीं देखा आज तक उनको किसी एक धर्म को प्रमोट करते हुए। उनकी जो हमने आज तक उनके वचन सुने हैं मैम, वो मैं पहले भी बता रही हूँ, वो ना तो किसी एक से जुड़े हैं ना किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो सभी के लिए एक जैसे हैं। सभी के पास उनकी पॉजिटिव रेज हैं और इसीलिए आज इतने सारे लोग डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। मैम, कोई धर्म जाति कुछ किस तरीके से? मैंने तो देखा नहीं है मैम, मुझे नहीं लगता। यहाँ इतनी जनता बैठी हुई है और आप भी मेरे साथ ही बैठी हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है वहाँ पर, मुझे कभी लगता ही नहीं है मैम। कभी उन्होंने उनके मुंह से आपने कभी भी ऐसा सुना हो किसी धर्म के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने अलग तरीके से बोला हो? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ना वो एक व्यक्ति के लिए है, ना वो व्यक्तियों के ग्रुप के लिए है, वो सभी के लिए ही हमेशा मोटिवेशनल थे, मोटिवेशनल हैं और मोटिवेशनल रहेंगे ही। कोई आपसे पैसा लेते हैं कभी, आपसे मांगा पैसा? नहीं, कभी नहीं मांगा। मैम, एक काफ़ी अभी पंजाब में काफ़ी चर्चा में चल रहा है, एक धर्म को लेकर काफ़ी बातें उठाई जा रही हैं। मैम, लोगों का काम ही बहस करना, लोगों के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो वो इस तरह के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, और कोई काम नहीं है। मैम, और भी आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर? सब झूठे हैं मैम, सब झूठे हैं, उसमें से एक भी सच्चा नहीं है, सब झूठ है मैम। सब सोची समझी साजिश है ये और कुछ भी नहीं। मैम, ऐसी साजिश संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के साथ ही क्यों की जा रही है? मैम, हर व्यक्ति जो एक अच्छा काम करेगा, जो समाज से हटके कुछ लोगों को, सभी समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, तो बुराई तो उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी ही करेगी मेरे हिसाब से। क्या किया है संत जी ने बुराई को हटाने के लिए, समाज को अच्छा दिखाने के लिए, बनाने के लिए? यहाँ इतनी जो जनता बैठी है आपके सामने मैम, वो किस लिए बैठी है? उनकी लाइफ में, उनके दुखों में, उनके सुखों में, कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो उनके साथ अच्छा हुआ ही होगा ना मैम, जो यहाँ पर इतनी जनता जुड़ी हुई है। और आज इतने साल हो गए मैम संत, हमारे पिताजी पर आरोप लगते हुए, मेरे से बोला नहीं जा रहा, इतने आरोप लगते हुए उन पर इतने साल हो गए, ये जनता ऐसे ही तो नहीं जुड़ी है ना उनके साथ। क्या आज भी आपको लगता है करोड़ों जनता आज भी लगता उनके साथ है? मैम, हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा, और ये संगत डबल होके दिखाएगी एक दिन, लगता नहीं है, लगे होगा, ये होके रहेगा मैम। मैम, 4 साल हो गए हैं संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव आपको लगता है समाज? मैम, कौन कहता है वो समाज में नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास। जरूरत लगती है मैम उनकी वापस आने की? मैम, जरूरत तो है ही, हम तो दर्शनों के लिए तड़प रहे हैं। क्यों जरूरत है मैम ऐसा, मतलब समाज को क्यों जरूरत है? समाज को ही जरूरत है उनकी मैम, समाज को अगर सभ्य बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उनकी जरूरत हमेशा रहेगी ही रहेगी। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूंगी कि सरकार जो है
संत हैं, सच्चे हैं, डेरा है, सच्चा सौदा है, वास्तव में ही सच्चा है, और जल्दी से जल्दी हमारे पिता ही को देह रूप में हमारे पास भेजने की। मैम आपको क्या लगता है ये सजा मिल किसको रही है, संत जी को या समाज को? ये तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं, वास्तव में तो इसका खामियाजा जो है हम सब भुगत, हमें सबको कमी महसूस हो रही है पिताई की, हम सबको कमी महसूस हो रही है, हमें लगता है कि वो आए हमारे पास और हमें फिर से दोबारा क्या वो दे रहे हैं, वहाँ बैठकर भी बहुत अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं, तभी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं और रहेंगे, और हम चाहते हैं कि वो देह रूप में भी जल्दी से जल्दी हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको हम पब्लिक सर्वे के दौरान जनता के साथ बातचीत कर रहे हैं, सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। जनता का यही कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के साथ आज भी करोड़ों लड़कियां, करोड़ों लोग उनके साथ हैं। इनका मानना है कि सिर्फ साजिशों के तहत संत जी को बदनाम किया गया है, सिर्फ मुद्दे उठाए जा रहे हैं जनता को भड़काने के लिए, संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के ऊपर आए दिन नए नए आरोप लगाकर सिर्फ संत जी को समाज से दूर रखने की साजिशें की जा रही हैं। आप लोग सोचिए आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।